हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राखी पवार और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था जिसकी अनबॉक्सिंग की थी मैंने आपके सामने, तो आज मैं उस प्रोडक्ट का आपके सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। मैंने ओजीवा के 3 प्रोडक्ट मंगाए थे जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उसमें क्रीम थी, नाइट जेल था और फेस पैक था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेस पैक का रिव्यू शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्रीम और नाइट जेल का भी रिव्यू शेयर करूंगी। पिछले 1 महीने से मैं ये फेस पैक यूज कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट कैसा लगा मैं आगे की वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे फेस पैक के बारे में बात करेंगे, ये ओजीवा का इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक है और ये कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है और इस तरह का ये बॉक्स है और इसके अंदर ये इस तरह का बॉक्स इन्होंने दिया हुआ है और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये है फेस पैक और अभी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारा ये बचा हुआ है। मैं इसको वीक में 2 से 3 बार ही लगाती हूँ। ये फेस पैक है ओजीवा इनर ग्लो फेस मास्क। अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन को ये ग्लोइंग बनाएगा। अगर एजिंग से पहले एजिंग के साइन नजर आने लगे हैं तो उनको ये कम करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को टाइट बनाएगा। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं और आपकी स्किन का ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है तो ये वाला फेस मास्क आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ये ग्लो लेके आएगा, आपकी स्किन को टाइट बनाएगा। और अगर आप वर्किंग है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है होममेड फेस पैक बनाकर अप्लाई करने का, तो आप ये वाला फेस पैक जरूर अपनी जो स्किन केयर रूटीन में शामिल करके देख सकते हैं। गर्मियों के लिए बेस्ट फेस मास्क है। अगर आप धूप में गर्मी में बाहर से आए हैं और अगर इस फेस मास्क को आप अपने फेस पर लगा लेते हैं तो ये आपके फेस को ठंडक देता है। इस फेस पैक की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है कि ये फेस को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ स्पॉटलेस बनाने के साथ साथ हमारे फेस को ठंडक भी देता है। और जो इस फेस पैक की MRP है वो 549 है और जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपके फेस पर लग जाता है। मैं 1 महीने से यूज कर रही हूँ और बहुत थोड़ा सा ही अभी तक मैंने यूज किया है और मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसने दिया है, मेरा फेस बहुत अच्छा क्लीन हो गया। आगे की वीडियो में मैं आपको फेस पैक अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूंगी और यहाँ पर मैं रोज वाटर से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। और फेस वॉश करने के बाद भी आप डायरेक्ट फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं और अभी मैं फेस पैक अप्लाई करूंगी और यहाँ पर मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया है और आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं और हाथों से भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। अगर आप वर्किंग है और होममेड फेस पैक आप बनाकर नहीं लगा सकते तो आप ये वाला फेस पैक ट्राई करके देख सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्पॉटलेस बनाएगा और टाइट बनाएगा और पहली बार में ही आपको अपनी स्किन पर फर्क दिखेगा। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे फेस पर, नेक पर फेस पैक लगा लिया है और मैंने 15 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था और यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका है। और यहाँ मैं पहले फेस पैक को थोड़ा सा गीला करूंगी और 5 मिनट की मसाज करूंगी। और अगर आप मसाज नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी स्किन पर अगर गंदगी जमा हो गई है तो वो साफ हो जाती है। और 5 मिनट मसाज करने के बाद मैं फेस पैक को उतार दूंगी और फेस को वॉश कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और रिजल्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपको रियलिटी दिखाती हूँ। दो बार में ही आपको अपने फेस पर फर्क दिखने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।